देखिए, ये फिल्में इस महीने में तीन चार आ गई थी मेरे पास रिलीज़ करने के लिए। मैं मित्तल एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से बोल रहा हूँ। फिल्में बहुत आई थी, लेकिन वो सब तीन चार फिल्में मैंने रिफ्यूज करके ये फिल्म को पकड़ा, क्योंकि ये फिल्म मुझे कॉमेडी अच्छी लगी और इसकी शूटिंग जो हुई है ज़्यादातर नेपाल में और बम्बई में हुई है, तो इसकी कॉमेडी भी अच्छी लगी और स्टार भी अच्छे थे, क्योंकि राजपाल यादव बहुत दिन के बाद आ रहा है ये फिल्म में, ये फुल ऑफ कॉमेडी किया है। मुझे ये फिल्म पसंद आ गई, इसलिए मैं ये रिलीज़ करना चाहूँ और ये फिल्म रिलीज़ कर रहा हूँ मैं 300 थिएटरों में एक साथ ऑल ओवर इंडिया में। लोकेशन ज़्यादातर नेपाल एंड इंडिया, ये दोनों जगह में शूट हुआ है और बहुत रमणीक जगह पे हुआ है। ऐसे ऐसे जगह है जहाँ आप, मुझे नहीं लग रहा कि देखने में ये लगेगा आपको कि अच्छा लगेगा आपको देखने। बात करें गाने की, कितने गाने हैं इस फिल्म में? कुछ 6 गाने हैं और 6 के 6 गाने हमने इतने अच्छे ढंग से इनको जी म्यूजिक को दिया है इसको गाना रिलीज करने के लिए, और जी म्यूजिक ने बहुत ही अच्छे ढंग से सजा कर इसे रिलीज किया है। तो आपसे कोशिश करूँगा कि आप भी वहाँ जाएँ और कम से कम जी म्यूजिक में नेट पर तो देखें लड़के कमाल के, कितनी अच्छी फिल्म है। कितनी बड़ी चुनौती रही आज पीएम नरेंद्र मोदी भी रिलीज हुआ इसके साथ ऑल भी बहुत बहुत बड़ी चुनौती था। एक साथ 7 फिल्में हैं 24 तारीख को, और 7 फिल्मों में 300 थिएटर लेना ये बहुत मतलब मुश्किल था, लेकिन मेरा रिलेशन है क्योंकि मैं 40 साल से फिल्म लाइन में हूँ और कम से कम 150 फिल्में अब तक रिलीज़ कर चुका हूँ। तो ये मुझे विश्वास था मेरे डिस्ट्रीब्यूटरों पे, सब डिस्ट्रीब्यूटरों पे, थिएटर वाले पे, सब थिएटर वाले ने मुझे फुल कोऑपरेट किया है कि इसमें ये फिल्म में मैं थिएटर पहले आपको दूंगा, क्योंकि पिक्चर अच्छी है, कॉमेडी है। यही ऑडियंस तो अभी देखिए, बहुत से ऑडियंस निकले तो अच्छा ही बताया लोगों ने, अब बाकी ऊपर वाला क्या है इसका रिजल्ट। ठीक है, देखिए अभी जो अभी तो कह नहीं सकते हैं, कितना भी आ सकता है, पर पिक्चर चलेगी ये मुझे पूरा विश्वास है। मुंबई में कितने थिएटरों में लगी? 45 थिएटर बॉम्बे। दर्शकों से क्या अपील करना चाहिए? दर्शक से यही चाहूँगा कि ऐसे माहौल में रोने धोने वाला और एक्शन के माहौल में कॉमेडी जाकर देखें, जिसे अतवारी सिंह ने बनाए हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर लक्ष्मण सिंह हैं, तो बहुत अच्छे बनाई है फिल्म और मुझे फिल्म पसंद आया। फिल्में मैंने कहा ना आपको कि मैं 4-5 फिल्में देखा था, लेकिन उस वक्त रिलीज़ करने के मूड में नहीं था कि अच्छी फिल्म थी नहीं, तो ये कॉमेडी फिल्म मुझे अच्छी लगी तो मैंने पकड़ लिया और इसको रिलीज़ किया। राजपाल यादव जी हैं, आर्यन अधिकारी हैं जो नेपाल के सुपरस्टार हैं, और बाकी जंग बहादुर हैं, और राज पाटकर हैं मराठी के, जो राजू पाटकर बोलते हैं उनको, तो ऐसे ऐसे सारे स्टार हैं, मराठी स्टार भी हैं और हिंदी स्टार भी हैं, और सभी ने अच्छे काम किए।